गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें ना तो ज़्यादा घी लगने वाला है और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट। ये वाली जो मिठाई है इसे हम 2 से 3 चम्मच घी में बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ही ईजिली आपको आपके घर पर ही मिल जाएंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 चम्मच लिया देसी घी। जो नॉर्मली स्टील का चम्मच हम घर पर यूज़ करते हैं ना, उसी से मैंने नाप लिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी 1 कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच रवा यानी सूजी। तो बेसन को आपने पहले जो अच्छी तरह से एक बार छलनी से छान लेना है, और हम जो इसमें सूजी ऐड करते हैं ना, रवा डालते हैं, वो इसको बहुत ही दानेदार टेक्स्चर देते हैं। तो अभी हमने बेसन और सूजी को गैस के लो फ्लेम पे जो 10 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। गैस के लो फ्लेम पे इसको भूनने में जो 10 से 12 मिनट के करीब लग जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जाएंगे इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। और अभी ये देखिए, मुझे इसको जो 10 मिनट के करीब हो चुके हैं भूनते हुए, और ये देखिए आपको पता चल रहा होगा इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच मैंने लिया नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट, ये भी इसको बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगा। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हरी इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए, और इनको भी हम साथ में अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मैंने थोड़े से लिए ड्राई फ्रूट्स जिसमें 10 से 15 पिस्ता, 10 15 काजू और 10 से 15 ही बादाम लिए हैं, इन सबको कट कर लिया, ये हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं। और अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये मैंने 3/4 कप है जो देसी खांड डाली है, आप इसकी जगह पर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। और 1 कटोरी हमने लिया है दूध। दूध हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हमने इसमें 1/2 कटोरी दूध है जो ऐड कर दिया, और जैसे ही ये दूध को सोख लेगा इसके बाद हम 1/2 कटोरी दूध है जो बचा हुआ वो भी इसमें डाल देंगे। तो चीनी जैसे मैंने इसमें जो 1 कटोरी से थोड़ी कम डाली है, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 कटोरी तक इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है जो दूध की मलाई आती है ना वो, तो आपने ध्यान रखना है जो फ्रेश मलाई हो वही इसमें यूज़ करनी है। इससे बिल्कुल इस मिठाई में जो एक मावा वाला टेक्सचर आ जाएगा। तो टोटल हमने इसमें 1 कटोरी दूध और 1 बड़ा चम्मच जो वो मलाई का डाल दिया है, तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी जो येलो लेमन फूड कलर है, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे मिठाई का कलर ना बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई ये बनकर तैयार होगी। तो आप इसको चाहें तो ज़रूर ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम अब इसको मिक्सचर को हमारे तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू नहीं कर देता। तो अभी ये मिक्सचर इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब हम इसमें है जो 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें है जो 1/2 से 1 चम्मच आपने इसमें देसी घी डाल देना है। लास्ट में ये वाला जो घी हम डालते हैं ना, ये इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 चम्मच तक भी इसमें घी ऐड कर सकते हैं। तो घी को भी हमने इसमें अच्छी तरह से मिला दिया। तो अभी ये देखिए, हमारी मिठाई के मिक्सचर में ने जो कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया, ये देखिए एक डो फॉर्म में आ गया। तो अभी हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और इसमें से ना आपने ऐसे छोटी सी गोली बनाकर देखनी है, ये देखिए इस तरह से छोटी सी बॉल बनाकर देखनी है। अगर बॉल बन रही है तो हमारा मिक्सचर जो मिठाई के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और जैसे ये हल्का ठंडा हो जाता है उसके बाद आप इसको जिस भी शेप में चाहें, इसके पेड़े ये जिस भी शेप में ये मिठाई बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं देखिए इसके इस तरह से पेड़े बना रही हूँ, इस तरह से हाथों में घुमाते हुए हमने इसको एक पेड़े की शेप दे दी, और ऊपर से मैंने एक इसमें है जो कट करके बादाम लगा दिया। आप जैसे भी चाहें इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हमने बाकी सारे पेड़े भी बना लिए, और तोड़कर मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी ना, हाँ, इसको आप ऐसे कीजिएगा, सर्व करने से पहले इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छी एक शेप भी ले लेता है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।